दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर सर्रा के लिए हम बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा करें। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो सर्रा ट्रीटमेंट में हमेशा आपको मदद दिलाएगी। वो जानकारी कौन सी है, देखिए सर्रा एक प्रकार की प्रोटोजोअन डिजीज है। आपको पता है प्रोटोजोआ से होती है, ट्रिपेनोसोमा ग्रुप के जो प्रोटोजोआ है, ब्लड प्रोटोजोआ, वही इस बीमारी को फैलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो ब्लड प्रोटोजोआ ने जो नुकसान पहुँचाया शरीर को उसको ठीक किया जाता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी थी। इसके अलावा सेकेंड जो इलाज किया जाता है वो प्रोटोजोआ के लिए एंटी प्रोटोजोअन ड्रग दी जाती है। एंटी प्रोटोजोअन ड्रग में जो प्रचलन में है इंडिया में, वो तीन प्रकार की ड्रग प्रचलन में है। नंबर वन जो ड्रग है उसका नाम है, आपको पता है, आइसोमेटामिडियम। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और आइसोमेटामिडियम का यूज़ सर्रा में किया जाता है। और दोनों तरीके से, एज ए प्रिवेंटिव यानी कि सर्रा होने से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एज ए ट्रीटमेंट यानी इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइसोमेटामिडियम, जो आप साल्ट का नाम देख पा रहे हैं ऊपर, ये सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्रा के ट्रीटमेंट में। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा ताकि सारी डिटेल हो जाए कि किस डोज में और कैसे लगाया जाता है। इसके अलावा सेकेंड जो बात आती है वो आती है फ्रेंड, और वो है क्विनपायरामिन। क्विनपायरामिन जो सॉल्ट है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है सर्रा में। और क्विनपायरामिन दो रूप में हमें मिलता है, क्विनपायरामिन सल्फेट भी आता है तो क्विनपायरामिन क्लोराइड भी आता है, जिसको कई क्विनपायरामिन क्लोराइड भी बोलते हैं। तो क्लोराइड और सल्फेट दो इसके रूप आते हैं। तो यहाँ पर इलाज और प्रिवेंशन दोनों में जब बात करें तो वहाँ पर हमें क्विनपायरामिन सल्फेट और क्विनपायरामिन क्लोराइड दोनों को यूज़ करना होता है। तो सेकंड सॉल्ट कौन सा आया, क्विनपायरामिन, और इसमें भी कौन सा यूज करना है, सल्फेट और क्लोराइड दोनों को यूज़ करना होता है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। इसके बाद तीसरा जो सॉल्ट आता है वो है, आप सभी को पता है, डाइमिनोजिन एसिट्यूरेट। डाइमिनोजिन एसिट्यूरेट भी आता है तो डाइमिनोजिन डाई एसिट्यूरेट भी आता है, दोनों सेम्स हैं और वो कभी हम डिटेल में लेंगे तो अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे क्विनपायरामिन और आइसोमेटामिडियम और ये जो अभी मैंने आपको बताया है, इन सब का आपको अलग से वीडियोज मिल जाएगा जो आप आराम से देख सकते हैं। तो देखिए तीनों सॉल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डाइमिनोजिन एसिट्यूरेट हो, चाहे डाइमिनोजिन डाइसिट्यूरेट, ये दोनों एक आ गया यानी डाइमिनोजिन ग्रुप का आ गया, या फिर सेकेंड आइसोमेटामिडियम हो और या फिर क्विनपायरामिन हो, तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, तो आज ये डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए आइसोमेटामिडियम बहुत ही शानदार है सर्रा के लिए, लेकिन इसके कुछ जो नुकसान है वो ज़्यादा होते हैं। नुकसान का मतलब टॉक्सिसिटी आइसोमेटामिडियम ज़्यादा करता है कुछ एरिया में और कुछ एरिया में कम करता है, तो ये भी अच्छा विकल्प है सर्रा के लिए, इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है क्विनपायरामिन का, और क्विनपायरामिन सल्फेट और क्लोराइड जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि ट्राइक्विन इंजेक्शन में मिलता है, ये सबसे बेस्ट विकल्प है और इसको इस्तेमाल करवाया जाता है सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, इसकी टॉक्सिसिटी भी कम है। देखिए कोई भी एंटी प्रोटोजोअन ड्रग होती है वो कब टॉक्सिसिटी करती है भाई, जब प्रोटोजोआ है ही नहीं और आपने लगा दिया, या कई बार ग्लूकोज के लेवल पर भी इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस वजह से सबसे सुरक्षित और सबसे बेस्ट जो सॉल्ट है वो हम लेते हैं क्विनपायरामिन को। तो सबसे ज़्यादा सर्रा में कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल होता है, क्विनपायरामिन सल्फेट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बात अगर हम डाइमिनोजिन एसिट्यूरेट की करें तो यहाँ पर देखिए ये बबेसिया के लिए बेस्ट है, सर्रा के लिए भी बेस्ट है। तो प्रोटोजोअन डिजीज़ का एक फिजिशियन हम इसको बोल सकते हैं, यानी प्रोटोजोअन डिजीज़ में हर कंडीशन में वर्क करने वाला होता है डाइमिनोजिन एसिट्यूरेट। इसी वजह से जहां हमें क्लियर कट पता चल गया है कि सर्रा ही है, तो वहां पर हमेशा ही हमें सर्रा के जो स्पेशलिस्ट है, भाई ये तो फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट जो सर्रा के हैं उनको हमें यूज करना चाहिए। यानी या तो हम आइसोमेटामिडियम को यूज करें या क्विनपायरामिन को यूज करें।
तो इन दोनों में से यूज करें। अब क्विनपिरामिन जो है वो बेस्ट क्यों था, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कम करता है। इसी वजह से पशु चिकित्सक ज्यादातर इस्तेमाल क्विनपिरामिन का करते हैं, और क्विनपिरामिन में भी जो दोनों कॉम्बिनेशन साथ आते हैं, क्विनपिरामिन सल्फेट और क्विनपिरामिन क्लोराइड, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और रिजल्ट भी अच्छा लिया जाता है। यह है सर्रा का बेटर ट्रीटमेंट जो करना होता है। इसके अलावा सपोर्टिव में आपको पता है डेक्स्ट्रोज दिया जाता है, सपोर्टिव में नरवाइन टॉनिक्स दिए जाते हैं, सपोर्टिव में इम्यूनिटी बूस्टर दिए जाते हैं। सपोर्टिव तो लक्षणों के हिसाब से और भी बढ़ सकती है कि क्या सिम्टम आ रहे हैं उसके हिसाब से देख करके किया जाता है। सर्रा के ऊपर हमने एक पूरा कोर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है जो रामावत एनिमल ऐप के वेट डिजीज सेशन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर के आप सर्रा की ए टू जेड गणित सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सीखेंगे एक बार, अप्लाई करेंगे जीवन भर। तो भाई जितने भी इंजेक्शन मैंने बोले हैं सब पर वीडियोस बने हुए हैं, अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी बात अगर आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा।